जादुई मोर के सोने के पंख। सावित्री नाम की एक बुढ़िया थी जो कि अपने 10 साल की पोती के साथ रहती थी और बहुत समय से उनके साथ मोर भी रहता था। रोशनी मोर के साथ बहुत खेलती थी और उसे अपने हाथ से अमरूद खिलाती है। ले लो मेरे प्यारे मोर, तुम भी मेरे साथ अमरूद खाओ। अरे मेरी पोती तो मोर के साथ खेल रही है, चल आ जा इधर बैठ जा। तेरे बालों में आज अच्छे से तेल डालकर चंपी करनी है, सारे बाल रूखे हो रहे हैं। अरे दादी, 2 दिन पहले ही तो आपने मेरे सर में चंपी की थी, अब फिर से? हाँ फिर से, मैं हूँ जब तक कर रही हूँ, फिर एक दिन मैं चली जाऊंगी। आधी से ज्यादा बूढ़ी तो हो ही गई हूँ, फिर कौन तेरे सर पर चंपी करेगा, अपने आप करियो। अरे दादी, आप ऐसी वैसी बातें मत किया करो, आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। अच्छा ठीक है। तभी रोशनी ऐसा कहकर अपनी दादी के गले लग जाती है। तभी मोर भी उसके पास आकर गले लगने की कोशिश करता है तो सावित्री कहती है, तू मेरे बेटे से कम थोड़ी है, आजा तू भी गले लग जा, मेरे प्यारे प्यारे दोनों बच्चे। दादी, जब आप इसे अपने साथ लाए थे तो कितना छोटा था ना ये। हाँ बेटा, आज भी याद है मुझे वो दिन जब ये मुझे जंगल में मिला था। अरे किस पेड़ की लकड़ी ले जाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। दादी और आगे चलो ना, क्या पता आगे टहनियों की टूटी लकड़ियां मिल जाए। हाँ हाँ चलते हैं ना रोशनी बेटा। ऐसा कहकर दादी पोती दोनों आगे जाते ही हैं कि उन्हें छोटा सा मोर घायल अवस्था में मिलता है, जिसे देखकर सावित्री कहती है, अरे अरे इसके पांव से तो खून निकल रहा है, हमें इस मोर की मदद करनी चाहिए, और है भी तो कितना छोटा सा बच्चा। दादी इसे जल्दी से घर ले चलो, इसे उल्टी हो रही होगी। हाँ बेटा चलते हैं। तभी सावित्री मोर के बच्चे को घर ले आती है और उसके घाव पर मरहम लगा देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और मोर ठीक होने के बाद रोशनी के साथ ज्यादा खेला करता था। वो चलती थी तो उसके पीछे पीछे भागा करता था। एक दिन सावित्री जब उसे जंगल में वापस छोड़ने जाती है तो वो सावित्री से लिपट जाता है पर उसके साथ जंगल में नहीं जाता। तभी सावित्री कहती है, क्या तेरा मन हमारे साथ लग गया है और मेरी पोती के साथ, इसलिए तू वापस नहीं जाना चाहता। दादी इसे मैं बहुत अच्छी लगती हूँ, चलो इसे घर लेकर चलो। ठीक है, अब ये हमारे घर का सदस्य है, मेरा बेटा, मेरा राजकुमार। तब सावित्री उस मोर के बच्चे को घर ले आती है, जिसके बाद वो दोनों मोर के साथ खेलते हैं। चलो अब बहुत देर हो गई, मुझे खाना बनाने दो। ठीक है दादी। ऐसे ही वक्त गुजरता है। सावित्री यदि कहीं जाती भी थी तो मोर उसके पीछे पीछे चलने लगता था, जिसे वो डांट कर रोशनी के साथ छोड़कर जाया करती थी। अचानक एक दिन सावित्री की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो खांसते हुए कहती है, रोशनी बेटी जरा इधर आना मेरे पास, मुझे बहुत कुछ बात करनी है। हाँ हाँ दादी बोलिए, मैं आपके ही पास हूँ। दादी आपकी तबीयत तो बहुत खराब हो रही है, ये पानी पी लीजिए। नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लगता है अब मैं जाने वाली हूँ, मेरा आखिरी समय आ गया है। तभी मोर भी उसके पास आ जाता है। दादी आप ऐसे क्यों बोल रही हो, आप कहीं नहीं जाओगी, मेरी दादी को कोई बचा लो, मैं इनके बिना नहीं रह सकती। बेटा मोर यहाँ आ, मैंने सोचा था इसके माता पिता नहीं है तो मैं इसे पालूंगी, और मुझे लगता है मैं भी इसका ख्याल नहीं रख पाऊंगी, तो तू ही रखना, मुझे तुझ पर विश्वास है, तू इसका बहुत ख्याल रखेगा। तभी एक तेज रोशनी में वो जादुई मोर अपने असली पहचान सामने लाता है, जिसके बाद उसके सारे पंख सोने के हो जाते हैं और जादू से दादी को बिल्कुल ठीक कर देता है और कहता है, दादी अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपनी रोशनी का और मेरा ख्याल रखिए ना। अरे तुम बोल कैसे सकते हो, और तुम्हारे पंख सोने के कैसे बन गए। हाँ मेरे प्यारे मोहर, ये कैसे हुआ। अब दोनों घबराइए मत दादी,
जब आप मुझे घर लाई थी तभी मैं खुद बखुद ठीक हो जाता, पर आप मुझे घर लेकर आ गई और आपने मेरा इतना ख्याल रखा, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि अब मैं आपका ख्याल रखूं। मैं एक जादुई मोर हूं और अब आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। मैंने आपकी आयु बढ़ा दी है अपने जादू से, और आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मेरे इन सोने के पंखों में से कुछ पंख ले लेना और इसे बेचकर आप अपनी जरूरत की हर विश पूरी कर सकती हो। अरे वाह दादी, आप तो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। शुक्रिया मेरे प्यारे मोर, तुम बहुत अच्छे हो। इतने सालों से मैं कुछ नहीं बोलता था, पर अब मैं तुमसे ढेर सारी बातें करूंगा, और तुम्हें भी कुछ चाहिए तो बता देना। हाँ बिल्कुल मोर। बेटा, रोशनी के स्कूल की फीस भरनी है, नए जूते लाने हैं, जूते पुराने वाले फट गए हैं, और घर का राशन भी खत्म हो गया है। क्या तुम मुझे सोने का एक पंख दोगे? हाँ दादी बिल्कुल। तभी मोर अपना जादुई सोने का पंख गिरा देता है और वापस पहले जैसा ही हो जाता है। उस सोने के पंख को लेकर दादी सुनार को बेच देती है और घर की जरूरत की सारी चीजें, साथ ही रोशनी के नए जूते भी ले आती है। तभी अपने जूते पहनकर रोशनी कहती है, अरे वाह दादी, देखो मेरे नए जूते आ गए। शुक्रिया मेरे प्यारे मोर, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगले दिन जब रोशनी अपने नए जूते पहनकर स्कूल जाती है तो एक रोता हुआ बच्चा अपनी बेहोश माँ को देखकर बहुत रोता है। तभी वो कहती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? दीदी मेरी मदद करो, मम्मी को पता नहीं क्या हो गया है, उनकी आंखें बंद हो गई। दो दिन से मम्मी और मैंने कुछ नहीं खाया। तुम्हारा घर भी नहीं है, तुम सड़क पर ही रहते हो। जी दीदी, मम्मी को ठीक कर दो आप, तुम यही रुको, मैं अपनी दादी को लेकर आती हूँ। रोशनी घर जाकर अपनी दादी को सब कुछ बताती है। ये बात मोर भी सुन लेता है और पहले ही अपने तीन सोने के पंख गिरा देता है। सावित्री उसके पास आती है और वो पंख उठाकर बेच देती है और उन पैसों से एक नया घर और खाना खरीद कर उन बेचारों को दे देती है और कहती है, बेटा तुम चिंता मत करो, डॉक्टर तुम्हारी मम्मी को ठीक कर देंगे, उन्होंने कुछ खाया नहीं ना दो दिन से, ये लो तुम भी खा लो। तभी उस औरत को होश आता है और वो कहती है, ये बड़ा सा घर किसका है? रुक बेटा, कहाँ आ गए हम? ये अब से तुम्हारा ही घर है और तुम्हारे लिए खाने का भी सामान रखा है। ये फ्रूट्स खा लेना और कुछ पैसे भी इस पर्स में रखे हैं, ले लेना। इतना सब क्यों? बिना झिझक के रख लो, मैंने ही तुम्हें ये सब दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह सावित्री या रोशनी को कोई भी जरूरतमंद दिखता है तो उसकी सोने की जादुई पंख से मदद जरूर करती थी। शाम को उसकी पोती की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो कहती है, आ दादी दादी जल्दी आओ ना, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कहकर रोशनी बेहोश हो जाती है। तभी घबरा कर सावित्री और मोर कहते हैं, अरे रोशनी रोशनी तुम्हें क्या हुआ? अरे रोशनी बेटी, क्या हुआ तुझे, ये बेहोश कैसे हो गई अचानक? बहुत देर से बुला रही थी और मैं आ ही नहीं पाई, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तभी मोर अपना जादुई सोने का पंख गिरा देता है और कहता है, दादी ये लीजिए मेरा पंख, अब जल्दी से इसे लेकर हॉस्पिटल चलिए। हाँ मोर। तभी सावित्री अपनी पोती को हॉस्पिटल लेकर पहुँचती है। मोर घर पर रहकर परेशान होता है। इतने में सावित्री और सोने के पंख को बेच कर डॉक्टर को पैसे देती है और कहती है, डॉक्टर मेरी पोती को ठीक कर दीजिए, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तभी डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं और कुछ देर बाद बाहर आकर कहते हैं, फिक्र मत कीजिए, आपकी पोती अब स्वस्थ है और उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए उसे बाहर का मत खिलाइएगा। जी जी डॉक्टर साहब। इस तरह कुछ ही दिनों में रोशनी ठीक होकर घर वापस आ जाती है और मोर भी उनके साथ खुशी खुशी रहता है। चंपारण गांव में सीता और गोधन नाम का गरीब दंपत्ति रहता था, जिनकी दो बेटियां थी बुलबुल और बबीता। दो साल पहले गरीबी में सीता का स्वर्गवास हो चुका था। उनके घर का ढांचा बेहद कमजोर हो चुका था, जो कब ढह जाए कोई नहीं जानता था। घर के आंगन में कटहल का पेड़ लगा हुआ था, जिसके हर एक डाल कटहल के गुच्छों से लबालब लदी हुई थी। गोधन रोजाना कटहल की गाछ पर चढ़कर कटहल तोड़कर उन्हें बेचने बाजार आता था। बदले में जो पैसे आते थे उसी से घर का चूल्हा जलता।
बबीता बेटी, मैं कटहल की गाछ पर चढ़ रहा हूँ, तुझे कटहल पकड़ाऊंगा तो लपक लेना। गोधन कटहल के एक डाल पर चढ़ने की कोशिश कर ही रहा होता है कि कटहल की कच्ची डाली टूट जाती है और गोधन औंधे मुंह आंगन में गिर जाता है। पूरा आंगन उसके खून से सन जाता है और कुछ ही सेकंड्स में उसकी मौत हो जाती है। अपने बाबा को माफ कर देना बबीता। बेटी, मैं तुम दोनों को इस दुखदाई दुनिया में अनाज छोड़कर तुम्हारी माँ के पास जा रहा हूँ। ऐसा मत कहो बाबा, आपके बगैर हम दोनों बहनों का क्या होगा। क्षण भर के भीतर ही गरीब गोधन मौत की गोद में समा जाता है। ये देखकर दोनों अनाथ बहनें बिलख बिलख कर रोती हैं। दीदी, पिताजी को क्या हो गया है? क्या पिताजी हमें छोड़कर माँ के पास चले गए हैं? क्या ये भी माँ की तरह मर गए? हाँ बुलबुल, बाबा भी हमें छोड़ गए। अब हम दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा है। तू चुप हो जा मेरी बहन, तेरी जीजी अभी जिंदा है। काफी दिन बाद दोनों बहनें अपने पिता की मौत को भूलकर भूख की आग बुझाने के लिए कमाने की होड़ में जुट जाती हैं। अब बबीता और बुलबुल अपने पिता के ठेले पर कई सारे कटहल लादकर गांव-गांव घूमकर बेचा करती हैं। कटहल ले लो, कटहल, कच्चे कच्चे कटहल, मलाईदार कोफ्ते वाले कटहल, आओ काकी, आओ चाची, ले जाओ सस्ते कीमत पर कच्चे कटहल। दोनों गरीब बहनों के लाख बुलाहट के बावजूद भी कोई उनके कटहल नहीं खरीदता। अरे मोरी मैया, मुझे तो लगा कि तुम दोनों बहनें कटहल का अचार बेच रही हो, इसीलिए दौड़ी दौड़ी ठेले पर आ गई, मगर तुम तो ये कच्चे कटहल बेच रही हो। अरे कटहल की तरकारी से तो मन भर गया है, ले जाओ। चंपा का फीका रुझान देखकर दोनों बहनें कटहल बेचने के लिए आगे बढ़ जाती हैं, मगर कोई भी उनके कटहल नहीं खरीदता। दोनों बहनों ने कई दिनों तक कटहल बेचने की लगातार कोशिश की, मगर कोई नतीजा नहीं निकलने पर उनकी हिम्मत जवाब दे गई। दीदी, आज कितने दिन बीत गए, मगर कोई भी हम बहनों के कटहल खरीद ही नहीं रहा। पता नहीं बुलबुल, कोई कटहल क्यों नहीं खरीद रहा? शायद ग्राहकगण बाबा के साथ भी कटहल देखकर ऐसा ही रुझान कायम करते थे, इसीलिए हर दिन कटहल बच जाता था। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमारे कटहल की कीमत फर्श से अर्श छुए। दीदी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ बना दो ना। बबीता झटपट से रसोई में आकर राशन के डिब्बे टटोलती है, जहां उसे थोड़ा सा बेसन मिलता है। सारा राशन खत्म हो चुका है, बस ये थोड़ा सा बेसन ही बचा है। बबीता बचे हुए बेसन से जल्दी से कटहल के पकौड़े बनाकर बुलबुल के सामने परोस देती है, जिसे खाने के बाद बुलबुल बड़ी बहन की बड़ाई में बोल पड़ती है। अरे वाह दीदी, कितने स्वादिष्ट और करारे कटहल के पकौड़े बनाए हैं आपने, मजा आ गया। बुलबुल, तुम्हें मजा आ गया? और मुझे आइडिया आ गया, अब मुझे क्या करना है, कल से हम दोनों बहनें कटहल बेचने के बजाय उन कटहल के पकौड़े बनाकर बेचेंगे। अगले दिन दोनों बहन पेड़ से ताजे कटहल तोड़ उन्हें बड़े बड़े टुकड़ों में बांट बेसन में मसाला बुरक कर उन्हें बेसन में लपेट कर पकौड़े तल कर उन्हें 3 दिन तक ग्राहकों को मुफ्त में खिलाती है, जिससे कई ग्राहक उनके पकौड़ों के दीवाने बन जाते हैं। लोग एक दूसरे से सुनकर उनके पकौड़े खाने के लिए आने लगे थे। पकौड़े खाओ, पकौड़े, ताजे कटहल के पकौड़े, एक बार खाओगे स्वाद भूल नहीं पाओगे। कटहल के पकोड़े का नाम सुनकर चटोरी चंपा खुशबू से खींची चली आती है। अरे क्या तुम दोनों ही वो बहने हो जो कटहल के पकोड़े बेचती हो? हाँ चाची, चाची। बड़ा नाम सुना है तुम बहनों का, कहो कैसे बेच रही हो कटहल के पकोड़े? 10 के 5 पकोड़े चाची। फिर तो मुझे भी एक प्लेट कटहल के पकोड़े लगा दो। कटहल के पकोड़े खाकर चंपा का चेहरा खुशी से झूम उठता है और वो कहती है, अरे वाह, क्या कटहल के पकौड़े बनाए हैं तुम बहनों ने, इस पकौड़े के आगे तो पूरी पकवान भी फीके पड़ गए, एक प्लेट और पकौड़े खिलाओ। चंपा को कटहल के पकौड़े इतने ज्यादा पसंद आते हैं कि वो पूरे 5 प्लेट पकौड़े खाकर पचा जाती है और बबीता के हाथ में 50 रुपए दे देती है। ये लो बेटी, पकौड़े के पैसे। शुक्रिया चाची। बबीता दीदी, कटहल के पकौड़े से तो हमने पहली मोहनी में ही पूरे 50 कमा लिए, कितनी खुशी की बात है ना। हाँ बुलबुल। फिर दोनों बहनें पकोड़े से ठाक मठेल ठेले को लेकर बाजार के बीचों बीच आ खड़ी होती हैं, जहाँ लोग पकोड़े की लुभावनी खुशबू से खींचे चले आते हैं।
पकौड़े खाओ पकौड़े, कटहल के करारे पकौड़े, कैरी की चटनी के साथ खाओ स्वादिष्ट पकौड़े। वाह, पकौड़े की खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है। जरा जल्दी से गर्मा गर्म एक प्लेट पकौड़े तो लगा दो। अभी लगाती हूँ काका। बबीता झटपट से कढ़ाई में कटहल के पकौड़े को गर्म करके सुखबीर के आगे परोस देती है, जिसे खाकर सुखबीर भी बाकियों की तरह दोनों बहनों की वाहवाही करता है। ओए होए 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 होए, ओ क्या कमाल के पकोड़े हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि पकोड़े नहीं है बल्कि चिकन के पीस के पकोड़े खा रहा हूँ। ये कटहल के पकोड़े पापड़ के जैसे करारे हैं और इसका स्वाद तो मेरे मुंह में घुल मिल गया है। शुक्रिया काका। ठंड में ठिठुरते इंसान को गर्मा गर्म पकोड़े और साथ में चटनी मिल जाए। एक प्लेट पकोड़े और दे दो। स्वाद से भरपूर होने के कारण सुखबीर कई प्लेट कटहल के पकोड़े खा जाता है। हर दिन के साथ दोनों बहनों के पकोड़े लोगों के बीच बढ़ चढ़कर छा जाते हैं, जिसके साथ बाजार की बड़ी भीड़ पकोड़े का लुत्फ उठाने के लिए वहां चली आती और कटहल के पकोड़े बेचकर गरीब अनाथ बहनों का जीवन पटरी पर पहुंच जाता है। बबीता दीदी, ग्राहकों के बीच हमारे कटहल के पकोड़े खाने की खुमारी परवार चढ़ चुकी है। पहले तो ठेले पर पकोड़े बेचते हुए शाम ढल जाती थी, मगर आजकल तो हमारे कटहल के पकोड़े दोपहर से पहले ही सफा चट हो जाते हैं। मेरे पास इसका हल है बुलबुल, क्यों ना हम अपने कटहल के पकोड़े के स्वाद को टी स्टॉल से जोड़ दें। सर्दियां शुरू हो चुकी है, ऐसे में हर इंसान को चाय पकोड़े खाना बेहद पसंद होता है। ऐसे में अक्सर चाय पीने आने वाले शख्स कुछ स्नैक्स की तलाश करते हैं। जब उन्हें हमारे दुकान पर कड़क चाय के साथ कटहल के करारे पकौड़े खाने को मिलेंगे तो लोगों में हमारी दुकान के लिए रुचि बढ़ेगी और उससे हमारे कमाई का इजाफा होगा। अरे दीदी, ये तो सचमुच अच्छा मौका है। दोनों बहनों का प्रयास कम समय में बड़ी छाप छोड़ता है। वो बाजार में एक बड़ी सी दुकान खरीदकर कटहल के पकौड़े और चाय से एक सुनहरी शुरुआत करती। धीरे धीरे ग्राहक भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखाते हैं। देखते ही देखते उनके कटहल के पकौड़े खाने वालों की पहली पसंद बनकर छा जाते हैं और दुकान बड़े रेस्टोरेंट में बदल जाता है। फिर एक दिन रुबीना नाम की एक रईस लड़की उन दोनों बहनों के रेस्टोरेंट में कदम रखती है। सुनो जरा, एक प्लेट कटहल के पकौड़े लाना प्लीज। जी मैडम। अभी लाई मैडम। कटहल के पकौड़े के साथ आप कड़क चाय लेना चाहोगी या कैरी की चटनी? दोनों। बबीता जल्दी से गर्मा गर्म कटहल के पकौड़े तल कर कड़क चाय और चटनी के साथ रुबीना को परोसती है। ये लीजिए। जैसे ही रुबीना कटहल के पकौड़े को खाती है उसकी जुबान पकौड़ों के स्वाद से घुल मिल जाता है। वाओ, ये कटहल के पकौड़े तो बहुत यमी और क्रिस्पी है। मेरे दोस्तों ने मुझे जैसा कहा था, तुम्हारे कटहल के पकौड़े का स्वाद एकदम वैसा ही लाजवाब है। वैसे ही कटहल के पकौड़े KFC के चिकन पीस का स्वाद दे रहे हैं। शुक्रिया मैडम। इस तरह कम उम्र में दोनों बहनें कटहल के बेहतर स्वाद से बने पकौड़ों से लोगों के बीच रोजाना सुर्खियां बटोरती हैं। आज बदहाली उन अनाथ बहनों के जीवन से दूर हो चुकी थी। अब वो गरीबी की जीवन नहीं काट रही बल्कि असल मायनों में जीवन जी रही हैं। वैसे दोस्तों, क्या आपने भी कभी कटहल के पकौड़े बनाए हैं? अगर बनाए हैं तो कैसे लगे हैं आपको, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।